नदी में डूबे जीजा साला, नाव में पानी भरने से हुआ हादसा, जीजा ने तैरकर बचाई जान, साला हुआ लापता। अतरेला थाना क्षेत्र के भड़रा गांव के टमस नदी की घटना। जांच में जुटी अतरेला पुलिस। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे के करीब नदी पार करते समय एक हादसा हो गया। इस दौरान जीजा और साला टमस नदी में डूब गए हैं। जैसे तैसे तैर कर जीजा संजय केवट ने अपनी जान बचाई है, जिसके बाद इसकी सूचना अतरेला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर ट्रेलर पुलिस होमगार्ड की टीम 14 वर्षीय बालक राम सेवक केवट की तलाश कर रही है। हादसे में बचे संजय केवट ने बताया कि वह नदी पार करने छोटी नाव से अपने जीजा कौशल प्रसाद के घर गुदगुदा जा रहा था। अचानक नाव के अंदर पानी भरने लगा, देखते ही देखते नाव डूब गई और 14 वर्षीय बालक नदी की गहराई में समा गया। फिलहाल ग्रामीण एवं होमगार्ड की मदद से पुलिस द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। मध्य प्रदेश रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार। पिताजी का नाम? जगवाल केवट। उम्र कितनी है तुम्हारी? 25। कहाँ के हो? सिंगरवार। खाना क्या लगता है? चाक घाट। किसके साथ जा रहे थे? सालिक साथ। सालिक का नाम क्या है? राम सेवक केवट। पिता? संग्राम केवट। कै साल का था वो? 14 साल का। कहाँ का था वो? सांगी लोग। सांगी लोग। खाना क्या लगता है? अतरेला। कहाँ जा रहे थे तुम? गुरुदा। अपने जीजा के यहाँ। क्या नाम है आपके जीजा का? कौशल प्रसाद। कितने बजे की बात है? अभी मुश्किल से 10 बजे की बात है। तो क्या हुआ? तो सर डोंडी चलाते समय डोंडी बूढ़ गई है। बूढ़ गई। कौन चला रहा था डोंडी? हम चला रहे थे। तुम चला रहे थे? कैसे डूब गई डोंडी? सर एक डोंडी चल रहा है, पता नहीं कैसे एक पानी भर गया, उसके बाद दब गई डोंडी दरे पर। तो उसको नहीं बचा पाए तुम? बचाने कोशिश पूरा किए सर, आधी दूर तक कबा के गए, उसके बाद एकदम से ब्लस्ट हो गए, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हम किनारे पतन कस के लग गए हैं। ठीक। तुम्हें मेडिकल